दोस्तों, इस समय आईपीएल जोरों पर चल रहा है और रोज हमें एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। वहीं कोरोना के डर से कुछ खिलाड़ियों ने समय से पहले ही आईपीएल छोड़ दिया है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम लोन कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्लेयर्स को अपनी टीम में लाना चाहती है। कोविड-19 की वजह से टीम के कई खिलाड़ी वापस लौट गए हैं और इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स के पास विदेशी प्लेयर्स की कमी हो गई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम में जोफ्रा आर्चर पहले से ही मौजूद नहीं थे। इसके बाद बेन स्टोक्स भी चोटिल होकर पूरे आईपीएल से बाहर हो गए। वहीं लियाम लिंगविस्टोन ने बायो बबल और एंड्रयू टाई ने कोरोना की वजह से आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। अब आईपीएल 2021 का मिड ट्रांसफर विंडो खुल गया है और ऐसे में अपनी टीम को मजबूत करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम लोन के तहत प्लेयर्स को लाना चाहती है। राजस्थान रॉयल्स के पास अभी केवल 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स बचे हैं। ये प्लेयर हैं जॉस बटलर, क्रिस मॉरिस, डेविड मिलर और मुस्तफिजुर रहमान। तो आज की वीडियो में हम आपको आईपीएल 2021 लोन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आईपीएल का लोन सिस्टम क्या है और इसको लेकर क्या गाइडलाइंस हैं। जिस प्लेयर को अपनी टीम की तरफ से अभी तक 2 से कम मैचों में खेलने का मौका मिला है उसे लोन के तहत दूसरी टीम में लिया जा सकता है। किसी भी प्लेयर को पूरे सीजन के दौरान सिर्फ एक ही बार लोन पर लिया जा सकता है। लोन लिया गया प्लेयर उस टीम के खिलाफ नहीं खेल सकता जिस टीम का वो सदस्य पहले था। एक फ्रेंचाइजी 3 से ज़्यादा प्लेयर्स को लोन नहीं कर सकती है। अगर लोन प्लेयर को मिलने वाले पैसों की बात करें तो जो उसकी ओरिजिनल फ्रेंचाइजी है उसे उस प्लेयर को ऑक्शन के दौरान लगाई गई बोली के पैसे देने होंगे। इसके अलावा वह जिस टीम में लोन के तहत गया है उसे वहां प्रो राटा बेसिस यानी कि समानुपात पर मैच फीस मिलेगा। अगर किसी प्लेयर को लोन के तहत लेना है तो उस प्लेयर की मंजूरी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था आईपीएल का लोन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और मिड सीजन ट्रांसफर। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।